नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। हनुमंत लाल जी की जय। यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों के पूछने पर श्री राधा का श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान बताना और उसके विधि नियम और महात्म का वर्णन करना। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर अब यज्ञ सीता स्वरूपा गोपियों का वर्णन सुनो। जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक कामना पूरक तथा मंगल का धाम है। दक्षिण दिशा में उसी नर नाम से प्रसिद्ध एक देश है, जहां एक समय 10 वर्षों तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। उस देश में जो गोधन से संपन्न गोप थे, वे अनावृष्टि के भय से व्याकुल हो अपने कुटुंब और गोधनों के साथ ब्रजमंडल में आ गए। नंदराज की सहायता से वे पवित्र वृंदावन में यमुना के सुंदर एवं सुरम्य तट पर वास करने लगे। भगवान श्री राम के वर से यज्ञ सीता स्वरूपा गोपांगनाएं उन्हीं के घरों में उत्पन्न हुईं। उन सबके शरीर दिव्य थे तथा वे दिव्य यौवन से विभूषित थीं। एक दिन वे सुंदर श्री कृष्ण का दर्शन करके मोहित हो गईं और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई व्रत पूछने के उद्देश्य से श्री राधा के पास गईं। गोपियाँ बोलीं, वृषभानंदिनी श्री राधे, आप हमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कोई शुभ व्रत बताएं जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वे श्री नंदनंदन तुम्हारे वश में रहते हैं। राधे, तुम विश्वमोहिनी हो और संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत भी हो। श्री राधा ने कहा, प्यारी बहनों, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुम सब एकादशी व्रत का अनुष्ठान करो, उससे साक्षात श्री हरि तुम्हारे वश में हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। गोपियों ने पूछा, राधिके, पूरे वर्ष वर्ष की एकादशी के क्या नाम हैं यह बताओ। प्रत्येक मास में एकादशी का व्रत किस भाव से करना चाहिए? श्री राधा ने कहा, गोप कुमारियों, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु के शरीर से मुक्तः उनके मुख से एक असुर का वध करने के लिए एकादशी की उत्पत्ति हुई, अतः वह तिथि अन्य सब तिथियों से श्रेष्ठ है। प्रत्येक मास में पृथक पृथक एकादशी होती है, वही सब व्रतों में उत्तम है। मैं तुम सबों के हित की कामना से उस तिथि के 26 नाम बता रही हूँ। मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से आरंभ करके
कार्तिक शुक्ला एकादशी तक 24 एकादशी तिथियां होती हैं। उनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलकी, पापमोचनी, कामदा। कल कामदा एकादशी है। वरुथनी, मोहिनी, अपरा, कल मोहिनी है। अच्छा, अपरा फिर निर्जला, योगिनी, देवसैनी, कामिनी, पवित्रा, अजा, पद्मा, इंदिरा, पापांकुशा, रमा तथा प्रबोधिनी। दो एकादशी तिथियां मल मास की होती हैं। उन दोनों का नाम सर्वसंपत् प्रदा है। इस प्रकार जो एकादशी के 26 नामों का पाठ करता है वह भी वर्ष भर की द्वादशी एकादशी तिथियों के व्रत का फल पा लेता है। अब एकादशी व्रत के नियम सुनो। मनुष्य को चाहिए कि वह दशमी को एक ही समय भोजन करे और रात में जितेंद्री रहकर भूमि पर शयन करे, जल भी एक बार पिए, धुला हुआ वस्त्र पहने और तन मन से अत्यंत निर्मल रहे। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर एकादशी को श्री हरि के चरणों में प्रणाम करे, फिर शौच आदि से निवृत्त हो स्नान करे। कुएं का स्नान सबसे निम्न कोटि का है, बावड़ी का स्नान मध्य कोटि का है, तालाब और पोखरे का स्नान उत्तम श्रेणी में गिना गया है और नदी का स्नान उससे भी उत्तम है। इस प्रकार स्नान करके व्रत करने वाला नरशेष क्रोध और लोभ का त्याग करके उस दिन नीचों और पाखंडी मनुष्यों से बात न करे। जो असत्यवादी, ब्राह्मण निंदक, दुराचारी, अगम्या स्त्री के साथ समागम में रत रहने वाले, पर धनहारी, पर स्त्रीगामी, दुर्व्रत तथा मर्यादा का भंग करने वाले हैं, उनसे भी व्रति मनुष्य बात ना करे। मंदिर में भगवान केशव का पूजन करके वहाँ नैवेद्य लगवाए और भक्ति युक्त चित्त से दीप दान करे। ब्राह्मणों से कथा सुनकर उन्हें दक्षिणा दे। रात को जागरण करे और श्रीकृष्ण संबंधी पदों का गान एवं कीर्तन करे। वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करना हो तो दशमी को कांसे का पात्र, मांस, मसूर, कोदो, चना, साग, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन तथा मैथुन, इन सब वस्तुओं को त्याग दे। जुए का खेल, निद्रा, मद्यपान, दंत धावन, परनिंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, रति, क्रोध और असत्य भाषण एकादशी को इन 11 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे का पात्र, मांस, शहद, तेल, मिथ्या भोजन, पिट्ठी, साठी का चावल और मसूर आदि का द्वादशी को सेवन न करें। इस विधि से उत्तम एकादशी व्रत का अनुष्ठान करें। गोपियाँ बोली, श्री राधे, एकादशी व्रत का समय बताओ, उससे क्या फल होता है यह भी कहो तथा एकादशी के महात्म्य का भी यथार्थ रूप से वर्णन करो। श्री राधा ने कहा, यदि दशमी 55 घड़ी दंड तक देखी जाती हो तो वह एकादशी त्याज्य है, फिर तो द्वादशी को ही उपवास करना चाहिए। यदि पल भर भी दशमी से वेद प्राप्त हो तो वह संपूर्ण एकादशी तिथि त्याग देने योग्य है। ठीक उसी तरह जैसे मदिरा की एक बूंद भी पड़ जाए तो गंगा जल से भरा हुआ कलश त्याज हो जाता है। यदि एकादशी बढ़कर द्वादशी के दिन भी कुछ काल तक विद्यमान हो तो दूसरे दिन वाली एकादशी ही व्रत के योग्य है। पहली एकादशी को उस व्रत में उपवास नहीं करना चाहिए। अब मैं तुम्हें इस एकादशी व्रत का फल बता रही हूँ, जिसके श्रवण मास से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसको जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य उस व्रत के पालन मात्र से पा लेता है। जो समुद्र और वनों सहित सारी वसुंधरा का दान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य से
भी हजार गुना पुण्य एकादशी के महान व्रत का अनुष्ठान करने से सुलभ हो जाता है। जो पाप पंक से भरे हुए संसार सागर में डूबे हैं, उनके उद्धार के लिए एकादशी का व्रत ही सर्वोत्तम साधन है। रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। जो द्वादशी को तुलसी दल से भक्ति पूर्वक श्रीहरि का पूजन करता है, वह जल से कमल पत्र की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। सहस्त्रों अश्वमेध तथा सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य मातृकुल की दस पितृकुल की 10 तथा पत्नी के कुल की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जैसी शुक्ल पक्ष की एकादशी है, वैसी ही कृष्ण पक्ष की भी एकादशी है। दोनों का समान फल है। दुधारू गाय जैसी सफ़ेद वैसी काली, दोनों का दूध एक सा होता है। मेरू और मंद्राचल के बराबर बड़े बड़े 100 जन्मों के पाप एक ओर और एक ही एकादशी का व्रत दूसरी ओर हो तो वह उन पर्वतोपम पापों को उसी प्रकार जलाकर भस्म कर देती है जैसे आग की चिंगारी रुई के ढेर को दग्ध कर देती है। विधि पूर्वक हो या अविधि पूर्वक, यदि द्वादशी को थोड़ा सा भी दान कर दिया जाए तो वह मेरु पर्वत के समान महान हो जाता है। जो एकादशी के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। यदि मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके गदाधर देव के दर्शन का महान पुण्य संचित कर ले तो भी वह पुण्य एकादशी के उपवास की 16वीं कला की भी समानता नहीं कर सकता। प्रभास, कुरुक्षेत्र, केदार, बद्रिकाश्रम, काशी तथा सूकर क्षेत्र में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण तथा 4,00,000 संक्रांतियों के अवसर पर मनुष्यों द्वारा जो दान दिया गया हो, वह भी एकादशी के उपवास की 16वीं कला के बराबर नहीं है। गोपियों जैसे नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, वृक्षों में पीपल तथा पत्रों में तुलसी दल सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी तिथि सर्वोत्तम है। जो मनुष्य 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करता है, उसके समान ही फल वह मनुष्य भी पा लेता है जो एकादशी का व्रत करता है। इस प्रकार मैंने तुमसे एकादशियों के फल का वर्णन किया। अब तुम शीघ्र इस व्रत को आरंभ करो। गोपियां बोली, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत सुंदरी वृषभानु नंदिनी, तुम अपनी वाणी से बृहस्पति मुनि की वाणी का अनुसरण करती हो। राधे, यह एकादशी व्रत पहले किसने किया था, यह हमें विशेष रूप से बताओ, क्योंकि तुम साक्षात ज्ञान की निधि हो। श्री राधा ने कहा, गोपियों, सबसे पहले देवताओं ने अपने छीने गए राज्य की प्राप्ति तथा दैत्यों के विनाश के लिए एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया था। राजा बैसंत ने पूर्व काल में यमलोकगत पिता के उद्धार के लिए एकादशी व्रत किया था। लुम्पक नाम के एक राजा को उसके पाप के कारण कुटुंबी जनों ने अकस्मात त्याग दिया था। लुम्पक ने भी एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से अपना खोया हुआ राज प्राप्त कर लिया। भद्रावती नगरी में पुत्रहीन राजा केतुमान ने संतों के कहने से एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मणी को देव पत्नियों ने एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे उस मानवी ने धन धान तथा स्वर्ग का सुख प्राप्त किया। पुष्पदंती और माल्यवान दोनों इंद्र के साप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गए थे। उन दोनों ने एकादशी का व्रत किया और उसके पुण्य प्रभाव से उन्हें पुनः गंधर्व की प्राप्ति हो गई।
पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर सेतु बांधने तथा रावण का वध करने के लिए एकादशी का व्रत किया था। प्रलय के अंत में उत्पन्न हुए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर देवताओं ने सबके कल्याण के लिए एकादशी का व्रत किया था। पिता की आज्ञा से मेधावी ने एकादशी का व्रत किया, जिससे वे अप्सरा के साथ संपर्क के दोष से मुक्त हो निर्मल तेज से संपन्न हो गए। ललित नामक गंधर्व अपनी पत्नी के साथ ही शापवश राक्षस हो गया था, किंतु एकादशी व्रत के अनुष्ठान से उसने पुनः गंधर्वत्व प्राप्त कर लिया। एकादशी के व्रत से ही राजा मांधाता, सगर, ककुत्स्थ और महामती मुचकुंद पुण्यलोक को प्राप्त हुए। धुंधुमार आदि अन्य बहुत से राजाओं ने भी एकादशी व्रत के प्रभाव से ही सदगति प्राप्त की तथा भगवान शंकर ब्रह्म कपाल से मुक्त हुए। कुटुंबी जनों से परित्यक्त महादुष्ट वैश्य पुत्र दृष्टद बुद्धि एकादशी व्रत करके ही वैकुंठ लोक में गया था। राजा रुक्मांगद ने भी एकादशी का व्रत किया था और उसके प्रभाव से भूमंडल का राज भोग कर वे पुरवासियों सहित वैकुंठ लोक में पधारे थे। राजा अम्बरीश ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे कहीं भी प्रतिहत न होने वाला ब्रह्मशाप उन्हें छू न सका। हेमाली नामक यक्ष कुबेर के साप से कोड़ी हो गया था, किंतु एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके वह पुनः चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। राजा महीजित ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से सुंदर पुत्र प्राप्त कर वे स्वयं भी वैकुंठ गामी हुए। राजा हरिश्चंद्र ने भी एकादशी का व्रत किया था, जिससे पृथ्वी का राज भोग कर वे अंत में पूर्ववासियों सहित वैकुंठ धाम को गए। पूर्व काल के सत्ययुग में राजा मुचकुंद का दामाद शोभन भारतवर्ष में एकादशी का उपवास करके उसके पुण्य प्रभाव से देवताओं के साथ मंदराचल पर चला गया। वह आज भी वहां अपनी रानी चंद्रभागा के साथ कुबेर की भांति राज्य सुख भोगता है। गोपियों, एकादशी को संपूर्ण तिथियों की परमेश्वरी समझो, उसकी समानता करने वाली दूसरी कोई तिथि नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा के मुख से इस प्रकार एकादशी की महिमा सुनकर यज्ञ सीता स्वरूपा गोपिकाओं ने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से विधि पूर्वक एकादशी व्रत का अनुष्ठान किया। एकादशी व्रत से प्रसन्न हुए साक्षात भगवान श्री हरि ने मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को की रात में उन सबके साथ रास किया। बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की जय।